Fight for my attention, for your ascension, you must prove it. Cause if you can find it, you don't can find it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come through. Assalamu alaikum everybody, this is Talha from talhareviews YouTube channel. Guys, dekho PUBG Mobile har koi khelta hai, main bhi khelta hu. बट पी सी गेमिंग का अपना ही मज़ा है. तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस को. देखो एक चीज़ है कि अगर आपके पास एक पी सी है और आप गेमिंग भी करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा शौक होगा या आपको चाहिए होगी, वो है आर जी बी गेमिंग कीबोर्ड और गेमिंग माउस. तो यहाँ पर हम बजट फ्रेंडली बात करेंगे बिकॉज हम किसी नेक्स्ट लेवल ब्रांड की तरफ नहीं जाने वाले और ये मेरे बजट में था तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता देना चाहिए. तो देखते हैं सारी चीज़ें डिटेल के साथ. यहाँ पर मेरे पास माउस पैड भी है, गेमिंग आरजीबी माउस भी है. तो सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि आपको सीन है और लिंक वगैरह भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. इस वीडियो को देखो एंड तक, अगर आपका मूड बने तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं. आई होप कि आपको वीडियो चलेगा लाइक करना. और अगर आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियो चाहिए इन चीज़ों की, ऐसे गैजेट्स की, तो मुझे लाजमी से कमेंट से बताना. लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल लेकिन जाकर ऑल पर क्लिक कर दो ताकि मेरी वीडियोज़ के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ. सो भाई लेट्स बिगिन. तो यहाँ पर सीन कुछ यूँ है कि आई थिंक सो कि 2250 रुपये में आपको ये कंप्लीट सेट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको एक कीबोर्ड मिलता है, एक माउस मिलता है और एक माउस पैड मिलता है. बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्टोर पर जाकर चेक कर सकते हैं क्या कुछ सीन है और डिस्काउंट वगैरह भी आजकल चल रहा है. खैर यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले कीबोर्ड की. कीबोर्ड की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बजट के लिहाज से, प्राइस के लिहाज से कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. प्लास्टिक वगैरह सारी चीज़ें सॉलिड हैं और इसकी जो कीज़ हैं वो अच्छा फीडबैक देती हैं, तो सारी चीज़ें बेहतरीन निकल कर आ रही हैं. और जो सबसे मेन चीज़ वो है भाई आरजीबी, आरजीबी आई मीन बत्तियां तो होनी चाहिए. और ये गेमिंग कम्युनिटी में काफी डायलॉग है बत्तियों वाला. तो यहां पर आपको आरजीबी तो देखने को मिल रही है और आरजीबी के लिए एक स्पेसिफिक बटन भी है इस कीबोर्ड में, बट यहां पर आरजीबी को आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि एक चीज बाय डिफॉल्ट आ रही है वही आ रही है. देखिए यहां पर हम लोग आरजीबी चेंज नहीं कर सकते, इसमें जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है वही आ रहा, बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं बस. लेकिन ये आपके सेटअप को चार चांद जरूर लगा देगा और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उसके बाद में इस कीबोर्ड में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, लाइक शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट बटन आई मीन. यहाँ पर टॉप साइड पे जो है वो आपको कुछ शॉर्टकट बटन्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक माय कंप्यूटर है, वेब ब्राउजर है, ईमेल है सर्च के लिए और उसके बाद कैलकुलेटर है. उसी के साथ में राइट साइड पे आपको जो है कुछ म्यूजिक के लिए बटन देखने को मिल रहे हैं, बैक फॉरवर्ड और उसके अलावा वॉल्यूम प्लस एंड डाउन, ये चीजें. तो ये शॉर्टकट कीज जो है वो बहुत ज्यादा काम आती है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी और ये मेरे लिए भी काफी हेल्पफुल है. देखो क्लियर चीज बोलूं, मैं पिछले एक महीने से इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है. इसकी क्वालिटी और इसकी आरजीबी सारी चीजें बेहतरीन है, बजट के लिहाज से मुझे किसी भी किस्म का इशू नहीं आया जब से मैं यूज कर रहा हूँ. मजा दे रही है और सेटअप पे चार चांद लग गए भाई. जब मैं रूम की लाइट्स ऑफ करता हूँ आहा मजा आ जाता है. तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं अपने माउस के ऊपर. यस यहाँ पर अगर माउस की बात कर ली जाए तो देखने में ही ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफी ज्यादा कूल लग रहा है. इसका जो डिजाइन है, इसके जो क्लिक्स वगैरह वो काफी सॉफ्ट है, आपको अच्छा फीडबैक देते हैं. उसके बाद में यहाँ पर आपको 3200 जो है वो डीबीआई देखने को मिल जाएगी. इसके जो क्लिक की साउंड है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट है, अच्छी चीज़ है. उसके बाद में ये 3200 dBi के साथ आता है. लाइक आप इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, जो माउस का कर्सर होता है उसकी स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं. उसके बाद में लेफ्ट साइड पे इसी माउस के ऊपर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी दिए गए हैं, दो बटन्स हैं. ये जो बटन्स हैं मेरे जो काम आते हैं वो ये है कि वेब ब्राउजिंग के दौरान या यूट्यूब के दौरान जो है वो बैक एंड फॉरवर्ड जो है वो उसके काम आते हैं. यहाँ पर लाइक आपको वो एरो पर जाकर क्लिक करके वापस नहीं आना पड़ता, तो उस मामले में ये मेरे काम आते हैं. और ये माउस भी आरजीबी, बट यहाँ पर भी वही सीन है, लाइक आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ इसके कलर्स वगैरह चेंज होते रहते हैं. काफ़ी कूल लगता है देखने में, बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी सॉलिड है. तो यही बोलूँगा कि बजट के लिहाज से ठीक है. और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास आएगा ये माउस पैड. माउस पैड स्पेसिफिक नहीं है भाई, कोई भी रैंडम आपको मिल जाएगा और मुझे भी ऐसे ही मिला. मुझे तो लगा था कोई बड़ी चीज़ निकलने वाली है, बट ये निकला आपके सामने. सो अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इस कीबोर्ड और माउस के साथ, और अभी आगे भी जाने वाला है. इन फ्यूचर कुछ हुआ तो मैं आपको गाइड कर दूंगा. बाकी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है. लाइक आरजीबी मिल रही है, गेमिंग माउस और पैड शैड ये सारी चीज़ें, तो एक बजट के लिहाज से देखा जाए ना तो एक बेहतरीन ऑप्शन है. बाकी आप गुजारा नॉर्मल माउस पर भी कर सकते हैं, अगर आपको शशके चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं. तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा. अब अगर आपने कुछ पूछना, कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे से लाजमी से पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, बाकी लिंक वगैरह मैंने डाल दिया. सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, सारी चीज़ें क्लियर है. गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, देखते रहिए. तब तक के लिए बाय.